कहना चाहते हैं ये बड़े मंदिर जो बने हैं अभी 4 साल हो गया है, ये 4 साल के अंदर ऐसे कोई दुर्घटना हुआ नहीं विषय था। हाँ। तो हम सवेरे हमारे जो पंडित जी है विमल शास्त्री, वो सवेरे आके 5-6-7 बजे आते हैं, वो 1.5-2 घंटे में आके मंदिर बंद करके चल जाते हैं। तो मंदिर जब पूरी की पूरी मंदिर बंद हो जाता है, तब इधर अपन ऐसे कोई यानी इसका अंदर चोर बढ़ जाएगा। तो 16 तारीख नो सवेरे तो मैं आ नहीं पाया, तो पंडित जी अकेले थे, पंडित जी अकेले था। पंडित जी ने तो पीछे वाला दरवाजे का वो ताला कैसे भी वो ताला ओपन करके चला गया। तो संडे शाम को जब हम आए थे यहाँ, सामान चोरी हो गया जी। सामान चोरी उस दिन सामान ज़्यादा चोरी नहीं हुआ, उस दिन चार तुल्य टूटे हैं। उसको जो कितना अंदर धन दे, हम ये गुल्लक साल पर एक बार खोलते हैं जब हम शबरीमला मंदिर जाते हैं, इनमें से जो एक हिस्सा उधर भी डालते हैं। तो इसलिए साल पर दिसंबर के महीने में जब मंदिर जाने का टाइम पर ही खोलते हैं। इस बार हमको जा नहीं पाया, तो उसमें भी कुछ कारण है जाने। तो शाम को जब मैं आरती कर रहा हूँ, और मेरा धर्मपत्नी आए और कुछ भी लोग आए, पंडित जी ने मुझे बोला है देखो गुल्लक टूटे हुए हैं। फिर पूछा पंडित जी, हमारा तो जान ही उड़ गई, गुल्लक टूट गया, देखे बोले इसके अंदर कैसे बंद गया। अब इधर से जाके देखा वो दरवाजा का दोनों को कुंडा ऐसे खुले हुए, फिर इधर से खींच के देखे वो बाहर से बंद थे। 16 तारीख नो 17 तारीख नो 20 पुलिस को हमने उसी दिन 18 तारीख की शाम को मैं उधर गया, ड्यूटी सरदार जी बैठे थे उनको दे दिया, देकर वापस आया। तो दो दिन बीच में नहीं आया। तो नेक्स्ट डे ये पूरा अंदर का जो दरबार है पंडित जी ने वो भी बंद नहीं कर दिया। अखबार में छपने के बाद, न्यूज़ आने के बाद ही आया। तो कहा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भेज रहे, तो इसलिए हम मंदिर अभी शुद्धिकरण नहीं किया जब तक वो आज तक नहीं आया। तो इसलिए फिर मैंने अभी पंडित जी को बुलाया, नोले मंदिर खोलो, सफाई करो, सब कुछ सेट करने के लिए, क्योंकि कल हमारा जो पूजन जो चल रहा है 41 डेज का जो पूजन जो चल रहा है उसका कल समाप्ति है। तो कल तो करना, इसलिए हमने बाहर दरबार बनाया। इसने लापरवाही वाला हम कैसे कर सकते, जो किस आदमी ऑफिसर को मैंने जो वो दे दिया है, उन्होंने बोला है उस अंदर CCTV कैमरा है, वो है मेरा ये है, मैंने बोला वहाँ दो ऐसे ऐसी है, वहाँ दो ऐसे कोई दुर्घटना ऊपर से नहीं चढ़ सकता। बोले जी कोई बात नहीं, आप लिखते रहो, चोर को पकड़ के हमको दे दो। उन्होंने जो ड्यूटी ऑफिसर ने हमको बोला, तो अवतार सिंह जी आए थे SHO, और उनके साथ जो 2-3 पुलिस सुरेंद्र जी भी आए थे, वो मेरी ध्यान से हमारी बात सुना। तो उन्होंने चारों तरफ से देखा, उन्होंने बोला जी इनका ऊपर से किसी भी हालत में हम टक नहीं सकते। सेक्टर 32 से इतनी बड़ी सेक्टर है, इसके अंदर दिन दिनांक चोरी होते जा रहे जी। ये सामने एक पार्क है, इतना सुंदर का पार्क है, वहाँ लड़कियों को लेके बढ़ाते हैं, गंदी हरकतें करते हैं। कितना बार उसको बोला है नहीं, तो वहाँ तो पत्थर मारते थे जी। तो देखो ये हम पंडित जी का एक गलती तो छोटी सी ये हो गया, 100% हो गया, वो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, बट बाकी तो उनका कोई कंप्लेंट है नहीं। अब जो नुकसान जो हो गया कैसे करेगा, हम बड़ा परेशान है उसके लिए। हम तो 7 बजे आते हैं यहाँ, 8:30 बजे चले जाते हैं। इसके बाद 16 तारीख को मैं शाम के आया, शाम के बाबूजी भी आए, गुल्लक वैसे के वैसे रखे थे अपने अपने स्थान में। फिर मैंने देखा ताला टूटा, मैंने बाबूजी को तुरंत बताया, मैं बाबूजी ताला टूटे हुए हैं। 17 तारीख को शाम के टाइम आए तो सारे दरबार खुले हुए थे, जोते एक खाना बनाने वाला बर्तन था और जोते थी, तो वो जोते कुछ जोते थी कुछ जोते नहीं थी, बाकी थोड़ा थोड़ा सामान करके ले गए हैं। 17 तारीख को हम लोगों ने अंदर छोड़ा उस दिन, अब मेरी बात सुनिए। इसके बाद जो है वो हम ताला, नए ताला बाबूजी कुंडी लगाए, कुंडी लगाने के बाद ताला लगाए, अंदर से भी ताला लगाए, सारी जगह दरबार बंद हो गए। अंदर से जहाँ से कुंडे लगे होते हैं वहाँ से भी ताला लगा दिया बाबूजी ने, खरीद के नए ताले लाए। इसके बाद जब मैं 20 तारीख को आया, बाद मैं जब शाम के 5:30 बजे आया, तब मैं खोला तो विष्णु भगवान का दरबार खुला हुआ था और जो अंदर से ताला लगा हुआ था वो टूटा हुआ था। तब मैंने बाबूजी को तुरंत फ़ोन किया, सामने सरदार जी रहते उनको मैंने बुलाया, सरदार जी आ गए, मैंने दरबार खोला, दरबार खोल के अंदर गए, देखे तो जोते नहीं हैं। इसके बाद ताला टूटा हुआ था, फिर बाबूजी आ गए, फिर बाबूजी ने अपना एक्शन लिया।